सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। टॉपिक है वीडियो का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एट अ टाइम ऑफ एडमिशन टाइम, मतलब जब आप पॉलिटेक्निक या फिर D2D या फिर पॉलिटेक्निक का लेटर एंट्री का काउंसलिंग को कर लिए हैं, अब आप सभी का अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। उसको लेने के बाद में एडमिशन के लिए जब कॉलेज जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अगर ये बात आप पहले जान जाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होगा तो उसको आप अरेंज कर सकते हो। और अगर लिस्ट आने के बाद जानिएगा तो उस समय परेशानी आपको होगा, टाइमिंग कम रहेगा आपके पास में, इसलिए इस वीडियो में बना दे रहा हूँ। हर वर्ष बनाता हूँ, हर वर्ष बच्चे इसको अच्छा तरह से दिखते हैं, समझते हैं और बहुत सारे बच्चों को यह फ़ायदेमंद भी होता है। आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, TFW वाले हो, EWS वाले हो या फिर किसी से भी हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 को दिया है, D2D को दिया या फिर लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक को दिया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, तो लिस्ट आने के बाद में क्या क्या प्रोसेसिंग होता है एडमिशन के लिए मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और क्या क्या लगेगा बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार चैनल पर आप आए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, समझाना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे एग्ज़ाम दे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, पार्टिसिपेट करने के बाद में सबसे पहले आपके लिए एक अलाउटमेंट का लिस्ट आएगा, अलाउटमेंट लिस्ट आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको कोई कॉलेज मिला है कि नहीं, और अगर मिला है तो उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको अलाउट हुआ। एक PDF बन के आएगा जिसमें सभी विद्यार्थियों का नाम रहेगा सबका। उसके बाद में उसका अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होगा, एक अलाउटमेंट लेटर को प्रोविजन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से काम आपका पर्सनली स्टार्ट होगा। अलाउटमेंट लिस्ट में सभी विद्यार्थियों का नाम रहेगा कि आपको मिला है तो किनको और मिला है, कहाँ कहाँ किनको मिला है, वो देखने को मिलता है। इसके जस्ट नेक्स्ट डे में एक प्रोविजनल अलाउटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको दोबारा से लॉगिन और पासवर्ड को फिल कीजिएगा। उसके बाद में आप जाइएगा वेबसाइट में, वहाँ सबसे पहले तो आपको ₹1000 का चालान कटवाना होगा जो ऑनलाइन होगा। बेसिकली जब आप फॉर्म भरे होंगे या फिर काउंसलिंग का नोटिस को देखे होंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि ₹1000 आप सभी को क्यों लगेगा अगर आपको सीट मिल जाता है तो। अगर आप नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप किसी भी परीक्षा को दिए होंगे, पॉलिटेक्निक D2D या फिर पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, उस सभी काउंसलिंग के नोटिस में लिखा हुआ था, 5 नंबर पॉइंट को पढ़िए ध्यान से। सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि, अभ्यर्थियों को सीट जब आवंटन हो जाएगा तो डाउनलोड करने के समय ₹1000 का राशि देना होगा, जिससे जो सीट उनको मिला है वो सीट कंफर्म हो जाएगा आपके तरफ से भी, बोर्ड की तरफ से भी और कॉलेज की तरफ से भी। जैसे उस पेमेंट को आप करते हो, कॉलेज को नोटिफिकेशन चला जाता है कि बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको सीट अलाउटमेंट हुआ है, वो बच्चा आपके पास आकर एडमिशन लेने वाला है। ये ₹1000 सभी को लगता है, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC, ST, EWS, TFW, पॉलिटेक्निक के केस में भी, D2D के केस में भी लगता है, ठीक ना। अब समझते हैं हम लोग आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पूरे वीडियो को देखिएगा शांतिपूर्वक से, मैं हर एक बात को बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि इसको देखने के बाद में एडमिशन समय आपको दिक्कत ना हो। तो बाकी यूट्यूबर आएंगे, झूठ मूठ का कुछ कहेंगे, दो चार को बात को छोड़ देंगे और उसी बात की वजह से आप फंस के रह जाइएगा। पेमेंट करने के बाद में एक अलाउटमेंट लिस्ट जारी होगा, अलाउटमेंट मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी होगा, जिसमें बाकायदा आपके बारे में सारा जानकारी लिखा हुआ रहेगा और आपको कॉलेज में कितना बजे से कितना बजे के बीच जाना चाहिए, किस दिन से किस दिन के बीच जाना चाहिए, सब चीज़ आपका टाइमिंग, डेट, प्लेस, वेन्यू और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, वो भी इसमें लिखा हुआ रहेगा। बट डॉक्यूमेंट्स जो लगता है वो हर बार कॉमन लगता है, इसलिए आपको मैं आज बता दे रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें, क्योंकि बनवाने में समय लगता है। पहला बात, अब हम बार बार पॉलिटेक्निक, D2D या फिर लेटरल एंट्री को अलग नहीं करेंगे, मैं जो भी बात कहूँगा वो तीनों के लिए कॉमन होने वाली। पहला बात कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म? जब आपने एंट्रांस के लिए फॉर्म को भरा, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटेक्निक बच्चे जब फॉर्म को भरे थे तो उसका जो एक PDF बनता है ना, डाउनलोड किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। चाहे किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन होगा तो उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी आप लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म भरे थे उसी वेबसाइट में जाकर, ठीक है।
एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, साथ में क्या एडमिट कार्ड, तो कौन सा एडमिट कार्ड, तो वही पॉलिटेक्निक वाला, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जब देने गए थे सेंटर पे ओएमआर सीट में, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डी2डी वाले का डी2डी का होना चाहिए और लेटर एंट्री वाला लेटर एंट्री होना चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। साथ में क्या कि आप सभी का जो रिज़ल्ट आया है ना वो रिज़ल्ट होना चाहिए, एक रिज़ल्ट PDF में आया था, उसके अलावा आपका खुद का पर्सनल रिज़ल्ट भी वेबसाइट में अपलोडेड है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे कि कहाँ से निकलता है एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ से एडमिट कार्ड, कहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा, तो ये सब अगला वीडियो में बताने का प्रयास मैं करूँगा, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आएगा तब, अन्यथा आप खुद से जुगाड़ कर लीजिएगा, सारा चीज़ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ये हो गया आपका टेक्निकल के बारे में, जब आपने फॉर्म भरा उस फॉर्म का एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या क्या लगेगा। इसके अलावा जो बच्चे पॉलिटेक्निक मैट्रिक से भरे उनका मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब मैट्रिक में क्या क्या लगेगा, तो एडमिट कार्ड लगेगा, रिज़ल्ट लगेगा मैट्रिक का, पासिंग लगेगा, माइग्रेशन लगेगा, ये चार चीज़ आपको मैट्रिक का लगेगा। अगर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10 बेसिस से भरा, अगर आपने लेटर एंट्री के थ्रू भरा, तब आपको मैट्रिक का तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटर साइंस का भी यही सेम चीज़ लगने वाला है। अगर आपने डिप्लोमा की फॉर्म्स को भरा है उस वक्त में मैट्रिक का भी लगेगा, डिप्लोमा वाला भी लगेगा। बहुत से बच्चे सोचते होंगे भाई हम तो भी करेंट ईयर है मेरा, ओरिजिनल बनकर स्कूल के थ्रू या कॉलेज के थ्रू नहीं आया तो क्या करें। अगर आपके पास बनकर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको देख के आप एडमिशन ले सकते हो, एप्लीकेशन लिख कर। बाद बाकी जब आपको आपका यूनिवर्सिटी, आपका बोर्ड आपको हैंड ओवर करेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उस वक्त उसको लेकर आपको कॉलेज में जमा कर देना होगा। करेंट ईयर वालों के लिए नेसेसरी नहीं होता कि ओरिजिनल ला के ही दो, मैट्रिक वालों का रिजल्ट वेबसाइट में भी देखने को मिल गया, वो उसको भी दिखा सकते हैं। डिप्लोमा वाले अब एग्ज़ाम ही दिए, उनको रिजल्ट भी आने में टाइम लगेगा। अब पॉलिटेक्निक लेटर एंट्री वालों के पास इंटर का रिजल्ट होगा ही होगा, भले वो ऑनलाइन वाला होगा, ओरिजिनल नहीं भी होगा चलेगा, बट अगर 2022 में पास आउट किए, 21 में किए, 20 में किए, तो उस वक्त वाला तो आपके पास ओरिजिनल बनकर आ ही चुका होगा, तो आपको पूरा ओरिजिनल ही देना होगा। इसके अलावा आपको लगेगा TC सर्टिफिकेट, भले आप बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि 10th वाला TC दे देते हैं, कहीं स्कूल में नाम लिखवा लिए, 11th में पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर दिया, अब इनको पॉलिटेक्निक एडमिशन चाहिए, तो 10th TC नहीं भी होगा तो काम चलेगा, कोई भी TC जो लास्ट आपने पढ़ाई किया है उसका TC चलेगा। चाहे आप 10th के बाद 11 करके छोड़ दिए हो तो 11 का भी TC से आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि साइंस लिए उसके बाद में वो ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए, अब उनका इंटर 12th वाला उनका पास TC नहीं है, तो ग्रेजुएशन वाला फर्स्ट ईयर का भी चलेगा, सेकेंड ईयर छोड़ा सेकेंड ईयर का भी चलेगा, कहीं कभी TC लास्ट TC आपके पास होना चाहिए। और TC तुरंत नहीं मिलता, TC अप्लाई कीजिएगा तो 5-6 दिन के बाद मिलता है कॉलेज स्कूल से, वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, तो जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त दिया वही आपको लगेगा, जो कि 8 से 10 पीस लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो पॉलिटेक्निक या फिर जो भी फॉर्म भरे D2D का उसका कॉपी को निकाल के आप फोटो सेम टू सेम बनवा सकते हो। इसके अलावा आपको लगेगा आधार कार्ड का जेरेक्स कॉपी, क्या लगेगा आधार कार्ड का जेरेक्स कॉपी, हम फटाफट पार कर दे रहे हैं बट आप वीडियो को रोक कर जो मैं बातें को बता रहा हूँ उसको आप कॉपी या नोट डाउन में करके रख सकते हो अपने पास। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र या डोमेसाइल इसी को बोला जाता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट को, ये झारखंड के हर विद्यार्थी को लगेगा किसी भी टेक्निकल पढ़ाई करने में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, D2D का हो या फिर लेटर एंट्री का। हाँ, आपने फॉर्म भरा तो आपको ये आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, TFW, EWS किसी से भी हो आपको लगेगा। झारखंड में एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग के थ्रू जो आपको अलॉटमेंट होगा उसमें आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि 3-4 तरीका से बन सकता है। एक आपका बनता है CO लेवल से सर्कल ऑफिसर, एक बनता है SDO लेवल से, एक बनता है DC लेवल का, किसी का भी बना हुआ होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा, एडमिशन्स आपका आराम से हो जाएगा। अब ये बनता कहाँ से है, तो किसी भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र जो आपके घर के आसपास में होगा वहाँ से बन सकता है, या फिर ब्लॉक में जाके बना सकते हैं जहाँ पे CO साहब या SDO साहब बैठते हैं वहाँ पे बन सकता है। जिनके पास होगा उनको उनके लिए काम आसान है, जिनके पास नहीं होगा वो तत्काल में CO का बनवा सकते हैं। दो तरीका से बनता है, तत्काल और एक नॉर्मल। तत्काल में आपको 10 दिन के अंदर में बन के आ जाएगा और नॉर्मल में 1-2 महीना समय लगता है। तत्काल के लिए क्या चाहिए, तत्काल के लिए अगर आप बोलिएगा आपको एडमिशन का रिक्वायरमेंट है तो आपको तत्काल में बनाकर 5-6 दिन के अंदर भी दे सकता है। ये डिपेंड होता है आपके डिस्ट्रिक्ट पे, आपके CO साहब पे, आपके प्रज्ञा केंद्र पे, कि कैसे आप काम करवा सकते हो। रेसिडेंट सर्टिफिकेट अनिवार्य है जो 3 जगह से बन सकता है, CO लेवल, SDO लेवल, DC लेवल। नहीं बनवाए हो तो बनवा लीजिए, और अगर बनवा के रख लिए हो तो ये भी चेक कर लीजिए कि आपके पास जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसमें क्या लिखा, क्योंकि
सर्टिफिकेट में लिखा रहता है इट इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स, 1 ईयर, तो बहुत पहले बनवा लिए होंगे, तो जब से बना उस दिन से लेके जो भी तारीख साल लिखा हुआ उसको काउंट कर लीजिए कि वो अभी वैलिड है कि नहीं। जैसे होता है ना कि रिचार्ज आपका ख़त्म हो चुका है कि नहीं, उस तरह पेपर में पढ़कर समझ सकते हो। वो एक लाइन लिखा रहता है इट इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, तो जब भी बना उससे 3 साल गिन लीजिएगा, 2 साल गिन लीजिएगा, 1 साल गिन लीजिएगा। योग्य रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो सबको चाहिए। आते हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट का 2 नियम है, एक आपका बनता है झारखंड में लोकल कास्ट सर्टिफिकेट, एक बनता है परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। दोनों में कोई भी होगा चलेगा, उसी तरह रेसिडेंट में लोकल भी परमानेंट जो भी बनेगा चलेगा, मतलब बस होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसको चाहिए, तो जो भी बच्चे हैं, ये मत समझिएगा कि आप OBC से हो तो आपको चाहिए, भले आप जनरल से फॉर्म भरे हो, नहीं, आपने फॉर्म में जो भी चीज़ डाला है, अगर आपने OBC, BC1, BC2, SC, ST या फिर कोई और कोटा, तो अगर कास्ट से बिलोंग वाला फॉर्म को भरे थे और आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी रैंक अलाउट हुआ है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। भले बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या होता है BC1 से होते हैं और फॉर्म भरने समय BC2 कर देते हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कास्ट बेसिकली उस स्टेट में BC2 में है, ये बात आपको मालूम है, बाद मालूम चला, बट आपने फॉर्म को BC1 भरा तो आपको BC1 ही शो करना पड़ेगा, जिसको आप शो नहीं कर पाइएगा। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय है GCCB के बोर्ड में संपर्क करके अपनी गलती को सुधारवा सकते हो, अभी मौका है, हो सके मौका बंद भी हो सकता है। ये हो गया आपके कास्ट के बारे में, जो कास्ट से फॉर्म भरे उनको कास्ट चाहिए, जो कास्ट से फॉर्म नहीं भरे होंगे उनको कास्ट नेसेसरी नहीं है। अगर आप SC से थे, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बनने का माध्यम नहीं था, आपने जनरल से फॉर्म भरा, तो आपको नहीं चाहिए। अगर आप जनरल से थे, आपने कास्ट गलती सेलेक्ट करी, तो आपको कास्ट फॉर्म चाहिए। अब कास्ट से जो भरे थे उनको कास्ट चाहिए, बस कास्ट लिस्ट अनिवार्य नहीं होता, जो भरते हैं उनको देना पड़ता है, ये नियम होता कास्ट का। आ जाते हैं हम लोग EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट एक बनता है जो भी बच्चे EWS से फॉर्म को भरे थे जनरल में 10% आरक्षण के लिए, उनको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ये भी चाहे तो CO, चाहे तो SDO, चाहे तो DC लेवल, जिनसे भी बनवाना है बनवाना हुआ होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर EWS से फॉर्म भरे और आपको सीट BWS से अलाउड होता है, या फिर आपका रिजल्ट EWS रैंक आया है, तो आपको ये नेसेसरी है। इसका भी सेम प्रोसेसिंग है, प्रज्ञा केंद्र में से या फिर आपके ब्लॉक जो होता है जहाँ CO साहब बैठते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट सबको अनिवार्य नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली उनको अनिवार्य है जो बच्चे TFW कोटा में यस किए थे और उनको TFW का रैंक अलाउट हुआ है। भले उनको काउंसलिंग के थ्रू जनरल सीट मिल जाए, कोई और सीट मिल जाए, बट अगर आप TFW का रैंक बनकर आया है रिजल्ट में, तो आपको चाहिए, और इसी में आपको इनकम की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कास्ट वाले बच्चे या फिर जनरल बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं होता, केवल TFW वाले बच्चे को ही इनकम देना पड़ता है, जो कि 8 लाख से सालाना आपको अपना फैमिली इनकम कम दिखाना पड़ता है। और जो बच्चे EWS बनवाते हैं उनको भी इनकम बनवाना पड़ता है, क्योंकि इनकम होने पर ही EWS बन सकता है। उसी प्रकार से अगर TFW किए हो तो आपको इनकम अपने फादर या मदर का 8 लाख से कम दिखाना होगा। ये हो गया नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसमें अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, कितना अच्छा भी रैंक हो जाए, कितना अच्छा कॉलेज हो, कितना अच्छा ब्रांच क्यों ना मिला हो, आपका एडमिशन्स नहीं होगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो आपको एट अ टाइम ऑफ चाहिए ही चाहिए। ये सब बात हम बहुत पहले बताए थे, जब बच्चे फॉर्म भरे उनको बताए थे क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या मिस्टेक्स को नहीं करना है, ध्यानपूर्वक को फॉर्म को भरना, हर एक चीज़ को। बहुत सारे बच्चे नहीं देखते थे, अब देखना स्टार्ट किए हैं, तो अभी भी समय सुधार लीजिए। और अब तो आपका इस जैसे एंट्रांस में एडमिशन्स हो जाता है, पूरे आपके कोर्स के दौरान आपको कोई साथ दिखेगा आपके साथ, तो वो केवल नन्हे एडुकेशन ही है। इसलिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमेशा हर सेमेस्टर में हमारे साथ में आगे बढ़ते रहें। अब समझाते 3-4 सर्टिफिकेट और लगता, क्या क्या लगता उसको समझिए। एक आपको लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ये दिखाना पड़ता है बच्चों को, जो बच्चे भरे होंगे फॉर्म में भरने समय कि वो डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, तो उनको उसका दिखाना होगा कि कहाँ उनको प्रॉब्लम्स है। और जो बच्चे नहीं भी भरे उनको दिखाना पड़ता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आप पढ़ाई के लिए फ़िट हो कि नहीं। ये किसी भी MBBS डॉक्टर से आप बनवा सकते हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, आपको बना के दे सकते हैं। अब समझिए इसका फॉर्मेट होता है, क्या होता फॉर्मेट, कि इसका एक फॉर्मेट होता है, एक होता कॉमन फॉर्मेट जो हर कॉलेज में मान्यता प्राप्त है, सब उस कॉलेज को उस फॉर्मेट को सभी कॉलेज वाले एक्सेप्ट करते हैं। एक होता कि नहीं, अपने अपने कॉलेज के द्वारा जारी किया जाता है। बेसिकली ये आपको D2D में देखने को मिलेगा कि हर कॉलेज अपना अपना वेबसाइट में एक दे देता है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, उसी को लेना और उसी पर ही बनवाना है। मतलब डॉक्टर सेम हो सकता है, बस आपको फॉर्मेट अपने से लेके जाना है, उसमें सब डिटेल्स को फिल करना है, जो भी आपने एंट्रांस के समय भरा था उस डिटेल को फिल कीजिएगा, स्पेलिंग को चेक करते हुए, किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा के रजिस्ट्रेशन नंबर उनका लेकर मोहर मरवा के आप बनवा सकते हो।
सस्ता में बनवाना है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल से बनवा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चों का धनबाद में घर है, ठीक, उसका एडमिशन हुआ है रांची में, तो वो चाहेगा तो रांची का भी डॉक्टर से बना सकता है, धनबाद का भी, किसी भी जगह से। ऐसा नहीं कि धनबाद से ही बना के लेकर आओ, कोई कंडीशन इसमें नहीं होता। 250 में प्राइवेट बन जाता है, सरकारी में मात्र 5-10 रुपये में सदर अस्पताल बन जाता है। आते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये सभी के लिए, जिनका जिनका एडमिशन्स होता है, चाहे वो प्राइवेट सीट से होता हो, काउंसलिंग के थ्रू होता हो, डायरेक्टली लेते हो बच्चे, ये चाहिए ताकि बच्चा ना रैगिंग दे, ना बच्चा जब सीनियर बने तो रैगिंग लिया करे, ठीक है। ये बेसिकली दो फॉर्मेट बनता है, एक पेरेंट्स का बनता है, एक आपका खुद का बनता है, स्टूडेंट का बनता है। ये फॉर्मेट कॉमन है, इसके लिए नेसेसरी नहीं होता कि हर कॉलेज का अलग अलग होता है, बल्कि ये कॉमन है। कोर्ट से बनवाना पड़ता है, एफिडेविट करवाना पड़ता है, इसमें लगभग 200 से 300 रुपये खर्च आता है आपका। और ऐसा नहीं कि जिस भी जगह से बिलोंग करते हो उसी कोर्ट से, नहीं, झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से आप बनवा सकते हो। इसका जो फॉर्मेट है, कुछ दिन के बाद जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगा पॉलिटेक्निक वाला, तो इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम यूज अगर नहीं भी करते डाउनलोड कीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको वहीं से मिलने वाला है। ये हो गया ऑल डॉक्यूमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कहीं कहीं कॉलेज वाला मांग देता है, गैपिंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है भाई, होता क्या कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में उन्होंने 10th दिया, उसके बाद वो 3 साल कुछ नहीं किए, फिर 2023 में उनको क्या मन किया कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए या फिर कुछ और का फॉर्म भर दिए। अब ये 3 साल तो कुछ नहीं किए, तो यहाँ 3 साल ये गैप क्यों किए, इसके लिए उनको एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है कोर्ट के थ्रू कॉलेज में एडमिशन समय में, कि वो 3 साल अपने इसी परीक्षा के एंट्रेंस की तैयारी में लगे रहें। ये दिखा सकते हो, कुछ और दिखा सकते हो, दिखाना पड़ता अगर गैपिंग रहा तो। और अगर कंटिन्यूसली 2022 में पास आउट किए हो, 23 में एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21 में पास आउट किए होंगे कोई भी परीक्षा, उसके बाद कुछ नहीं किए हो, टीसी आपके पास 21 का है तभी लगेगा। अगर टीसी आपके पास 22 का या 23 का मिल जाएगा तो फिर आपको ये चीज़ नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल डॉक्यूमेंट, इतना बनवा लीजिए, एडमिशन से हमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, एडमिशन आराम से होगा। और जैसे एडमिशन आराम से हो जाएगा, आप खुद हमसे संपर्क कीजिएगा और धन्यवाद ही बोलिएगा, क्योंकि इससे कम ही लगेगा, इससे अधिक कुछ नहीं लगने वाला। कौन चीज़ कहाँ से कैसे बनता बता चुके हैं, अब हर एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा भी कि कौन सर्टिफिकेट कैसा दिखता भी है। उसके लिए इस वीडियो में 1000 लाइक तो बनता है और सब्सक्राइबर 5000 होने वाला, उसको पूरा करवा दीजिए। अपने अपने गार्जियन का फ़ोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।